अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वरदा सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं हब डेली के तवस्सुस से। एंड आपने मुझे पहले भी देखा होगा अदीबा के साथ, और भी मेरे इंटरव्यूज इस वक्त हब डेली के वेबसाइट पे सब मौजूद हैं। मैं आज जिस केस के साथ मौजूद हूँ वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एज यूजुअल मैं हूँ यहाँ पे फॉर वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन्स एजुकेशन। मेरे साथ आज मौजूद है मिस फातिमा नजीब खान, जो कि इस वक्त एरोस्पेस इंजीनियर हैं और रिसर्च और टीचिंग में इनका बहुत ज़्यादा सर्विसेज और इनका बहुत ज़्यादा नाम भी है। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली इनको वुमेन्स ऑफ नेशन में लीडरशिप अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट भी कंसिडर किया गया था। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला और हम आज उनसे थोड़ी एजुकेशन के ऊपर और वुमेन्स एजुकेशन स्पेशली उसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वरदा फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन, एंड इट्स अ प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माय हार्ट आउट एज वेल। थैंक यू। नहीं भैया, ये तो हमारा एक तरीके से ऑनर है कि आप हमारे साथ बात कर रही हैं, बिकॉज जब भी हम लोग वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस वक्त एज अ सोसाइटी कहीं लैग भी करते हैं एट द सेम टाइम। वैसे तो ये बहुत सारी इस वक्त खवातीन हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं हर फील्ड में, ये कोई एक फील्ड की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो सबसे पहले तो फातिमा आपसे मेरा ये सवाल होगा कि भाई आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आपका एक्सपीरियंस है और इस वक्त आप करिकुलम और रिसर्च के ऊपर काम कर रही हैं, टीचिंग के ऊपर काम कर रही हैं, आपका सबसे पहले तो यही आप मुझे हमारे रीडर्स को बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और कैसा रहा आपका जर्नी सो फार। इंटरेस्ट मेरा बचपन से, बहुत क्लीशे आंसर है लेकिन आई न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई वांटेड टू गो इनटू इंजीनियरिंग। आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, तो प्रोबेबली मुझे लगता है शायद उनका इंटरेस्ट रहा मेरे, ऑलवेज इनटू मोटरसाइकिल्स एंड कार्स, स्पेसिफिकली मोटरसाइकिल्स का मुझे बहुत शौक था, जिसपे मेरी अम्मा ने एक दफा मुझे खींचा भी था कि तुम क्या हर वक्त लड़कों की तरह मोटरसाइकिल की बात करती रहती हो, या मोटरसाइकिल आता है तो तुम्हारी गर्दन घूम जाती है। This is specifically referring to the age जब मैं मेरा ख्याल से कोई सातवीं आठवीं जमात में थी। I was in Muscat, जिसका एक हसीन कोइंसिडेंस ये भी है कि मैं और वर्दा एक ही स्कूल में थे। I was obviously the senior and वर्दा was junior there। तो मस्कत में बीचेस हैं, कुरम बीच किसको नहीं याद, और वहाँ पे वीकेंड्स के ऊपर हार्ली डेविडसन जो हैवी बाइक्स गुजरा करते थे और वो एक ड्रीम प्लेस होती थी। तो वहां से बस कुछ इन्फ्लुएंस वैसा कुछ हुआ, और उसके बाद फिर आई वाज अ वेरी एम्बिशियस स्टूडेंट, वेरी एम्बिशियस इंडिविजुअल आई हैव बीन ऑल माय लाइफ। स्कूल में मुझे फौज में जाने का बहुत शौक था, आई वांटेड टू बी अ पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफिसर, आई वांटेड टू सर्व माय कंट्री। प्रॉब्ली उस वक्त पे जहन में यही था कि शायद यही एक तरीका है मुल्क की खिदमत करने का। तो वो बस ड्राइव ने मुझे जरा एक्सप्लोर करने को दिया। आई नेवर वांटेड टू बी अ पायलट, मुझे फ्लाइंग में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे ग्रेजुअली समझ आई कि मेरा इंटरेस्ट बेसिकली वो जो बड़ी हैवी मशीन्स हैं जो के हवा में सस्टेन करती हैं, उड़ती हैं, मुझे उनके बारे में पता करना है। एंड आई रिमेंबर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, स्कूलिंग की बात है, मेरे पास पूरा एक फोल्डर हुआ करता था जिसमें मैंने दुनिया की तमाम जो बड़ी एयरफोर्सेज हैं उनकी डेटा जमा किया हुआ था। आई वुड गो ऑन टू विकिपीडिया एंड डिफरेंट फोरम्स एंड डू डिस्कशंस, एंड उधर से आई गॉट टू नो कि आई वांटेड टू बी एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, एन एरोस्पेस इंजीनियर स्लैश एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स भी मिले जिन्होंने मुझसे सेकंड दफा ये नहीं पूछा कि क्यों, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया थ्रू आउट माई एजुकेशनल करियर। और अब तक का जो सफर रहा है बहुत एक्साइटिंग रहा हैज बीन फुल ऑफ हर्डल्स एज वेल, आई वुड से ऑन सम इंस्टेंसेस। After I completed my A-levels, मैं पाकिस्तान आई थी, कराची स्पेसिफिकली आई थी, और उधर मेरा पहला प्राइमरी एम तो ये था कि मैं एयरफोर्स में किसी तरह से इंडक्ट हो जाऊँ, जिसके लिए मैंने अप्लाई भी किया और ISS भी क्लियर की और फाइनल मेडिकल क्लियर किया, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था, लेकिन एक ओपनिंग थी अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो एनरोल्ड इन टू अ कोर्स विच वॉज बेसिकली रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग,
It was a license course, and it is exactly the place where I met Adiba Ghazal as well, the very inspirational, very hardworking Adiba Ghazal. और वहाँ से मैंने avionics में अपना certification course complete किया, और इसके बाद फिर एक licensing होती है जिसको करना is I would say favorable or gives you more opportunities. उसके exams दिए, and I got awarded a gold medal as well for my high achievements. तो उसके बाद लेकिन आई फाउंड आउट दैट प्रोबेबली आई वाज नॉट अ मेंटेनेंस पर्सन आई वांट टू गो इनटू रिसर्च एंड आई वांट टू गो इनटू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सो दैट लेड मी टू इंग्लैंड ग्लेंडोर यूनिवर्सिटी वेल्स में आई वेंट देयर एंड आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स इन एरोनॉटिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आफ्टर आई केम बैक आपको चस्का लग चुका होता है रिसर्च करने का आपको लैब में बैठने का चस्का लग चुका होता है तो फिर से वही के भाई अल्लाह का शुक्र और पेरेंट्स का शुक्र उनसे बात की एंड आई वाज बैक आफ्टर डूइंग माय बैचलर्स आई रिटर्न्ड बैक टू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ पट्टाचार व्हिच इज क्वाइट रेनाउंड फॉर एरोस्पेस स्टडीज वहां से मैंने मास्टर्स किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विद डिस्टिंक्शन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन मेरा ये चीज तो बहुत क्लियर थी कि आई वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे वो चीज फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं नैग कर रही थी कि यार मुल्क के लिए कुछ नहीं किया क्या कभी कर सकेंगे क्या मुझे करना है किस तरह से करना है और बस अल्लाह का नाम लिया और पाकिस्तान लाहौर में लैंड कर गए लाहौर में देन आई अप्लाइड फॉर माय वेरी फर्स्ट जॉब एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट और मुझे अब तकरीबन अगस्त में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आई एम सर्विंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इन 5 सालों का सफर बहुत अच्छा रहा है आई हैव लर्नड अ लॉट आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन मैंने मेरी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो मुझे लगता था वीक हैं वो मैंने डेवलप किए बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत जबरदस्त लोगों के साथ काम करने को मिला ग्राउंड रियलिटीज देखने को मिली और उनका मुकाबला कैसे करना है वो हौसला मिला और करंटली तो ये है कि आई एम बेसिकली अ लेक्चरर एंड आई टीच स्टूडेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द पास्ट 3 years आई हैव आल्सो हेडेड द सेम प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर एज वेल Or that gave me the opportunity to obviously work as a leader, as a team worker as well, obviously, and play my role into bringing betterment not only for the students but into curriculum and then also, जैसे आपने बात की, promoting the role of women in technical fields. सही जब आपका अभी आप अपनी स्टोरी जब सुना रही थी तो उससे अंदाजा होता है कि पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग में और उनके करियर पैटर्न्स में वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है और एम्फेसिस भी हमारा उसी पे ही होना चाहिए कि भाई जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन भी वो उनको उनको मौके मिले कि वो हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर सकें एट द सेम टाइम आप मुझे इस बारे में बताइए कुछ आपको क्या लगता है कि व्हाट रोल कैन पेरेंट्स प्ले इन सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रंस करियर पाथ एंड इन सिलेक्टिंग अ करेक्ट फील्ड फॉर देम सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्दा आई वुड से व्हाइल देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स बट टू जनरली द यंगर जनरेशन नाउ बट एट द सेम टाइम एज पेरेंट्स एज और एज एल्डर्स वी नीड टू रियलाइज कि बच्चों को आपकी गाइडेंस की जरूरत हर वक्त पड़ेगी आप उनको सोली टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करवा सकते कि चलें जी यूट्यूब से इन्फ्लुएंस ले लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस ले लेंगे यू आर द फर्स्ट रोल मॉडल दैट दे सी यू आर द फर्स्ट जैसे कहा गया है ना कि पहली दर्जगाह भी आपकी माँ की गोद है इसका मतलब है कि आपका घर आपका पहला इंस्टीट्यूशन है तो रादर देन यू नो होली जस्ट लेटिंग द किड्स हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड नॉट प्रॉबली एक्सपीरियंसेस उसको सही तरह मैं बता से वर्ड नहीं कर रही लेकिन ये कि रादर देन ये कि आप बच्चों को बिल्कुल पॉइंटलेस स्पेसलेस जगह पे छोड़ दें आपकी इन्वॉल्वमेंट बोथ एज अ फादर एंड अ मदर बहुत जरूरी है क्योंकि वो बच्चे के अंदर वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टॉल कर देते हैं जिसकी आज हमें बहुत जरूरत है जो प्रोबेबली कहीं खो गए हैं जिनमें से चंद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी एंड आई फील दे आर सीरियसली लैकिंग आई डोंट नो वेदर इट इज ड्यू टू द अपब्रिंगिंग Probably the society that our kids walk in, but one of the things that needs to be, you know, instilled back into our kids is honesty. बिल्कुल honesty गायब होती जा रही है और ये बात मैं जितना emphasize करूँ मुझे लगता है उतना कम है और honesty देखें कहने से नहीं आती आपको करके consistency लेके आए बच्चों की जिंदगी में बच्चों को सिखाएं कि it's all right to fail
It's right. All right if you're not going to, if things are not going to work out. Don't stress out onto being successful overnight. It's your right. hard work that is going to count. Be kind. Empathetic ho jayen. Hum empathy bhool chuke hain. Hum sympathy zarur dikha dete hain ek bande ke liye ke oho acha mujhe bahut tars aa raha hai tumhare is tumhari is condition pe. Bachon ko tars mat sikhayen. Aap tars khilana mat sikhayen. Bachon ko sikhayen ke jab banda koi trouble mein hai aap kaise help kar sakte hain usko. आप कैसे उसकी तकलीफ समझेंगे? अब हमें ये कुछ ऐसी चीजें हैं, पंचुअलिटी, टाइम की कदर बच्चे को जब तक आप नहीं सिखाएंगे और खुद करके नहीं दिखाएंगे, प्लीज प्लीज डोंट एक्सपेक्ट किड्स टू ग्रो ओवरनाइट. हमें लगता है कि जी आप 18 साल की उम्र तक, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर के अंदर हम एक इंडिविजुअल को जिसको हम बच्चा यहाँ पे टर्म कर रहे हैं या चाइल्ड टर्म कर रहे हैं, हम उसको बच्चा 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 कहते रहे. 18 साल का होता है वो इंडिविजुअल, 18 साल का होता है हम कहते हैं ओवरनाइट एडल्ट बन जाओ. एग्जैक्टली. थ्रू स्कूलिंग, थ्रू कॉलेज, उनमें इंस्टिल करें, उनको मौके प्रोवाइड करें कि जिन्स ले सकें. वो चाहे बहुत छोटा सा डिसीजन हो कि बेटा आज व्हाट इज इट दैट यू वांट टू ईट. Right. That's decided for the whole family. वो क्या father क्या prefer करते हैं, mother क्या prefer करती हैं, वो क्या prefer करता है, और फिर वो decision लेगा क्या हैं ना, तो we can all sit together. बच्चों के अंदर ये छोटी-छोटी qualities जब तक नहीं होता क्या, unfortunately क्योंकि मैं जब मैं बात कर रही हूँ कि मैं university education में involved हूँ teaching के अंदर, तो मेरे पास 18 साल से लेके obviously adult education का हर age का बच्चा आता है, हर student आता है, we not call them बच्चा, student आता है. Right. Be them females or males. और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बच्चों के अंदर लैक करती हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर देखिए, वो यही है, इनडिसाइसिवनेस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टाइम, कंसिस्टेंसी नहीं है. द मिनट आपने उनको कुछ और गाइड किया है फॉर 5 मिनट्स, दे गोइंग टू गेट ऑल पम्प्ड अप. द मिनट दे लीव द गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एनीबॉडी कम्स एंड टेल्स देम, नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज है जो मैं कह रहा हूँ ठीक. बच्चा आपका फॉरन ही वो एक डिफरेंट स्टांस पे. एग्जैक्टली. सो चंद कुछ ये चीजें हैं जो मैंने हमेशा हाईलाइट की भी हैं, एंड आई थिंक ये बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ मत करें. प्लीज डोंट गो आफ्टर ए ग्रेड्स, डोंट गो आफ्टर बी ग्रेड्स, डोंट गो आफ्टर सी ग्रेड्स. आस्क द चाइल्ड टू लर्न, एजुकेट करें आप बच्चों को, कॉन्सेप्ट सिखाएं. डोंट गो आफ्टर ग्रेड्स एंड देन हाई अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि फिर वही बात है कि there are numerous examples of successful people amongst us who probably were college or university dropouts or who were yes. not really performing well in universities and colleges, but they made out big. Right. So we need to instill the same passion into our kids as well. Hey, bhai, passionate raho, ambitious raho, aur mat dekho scope kis cheez ka hai. Bahut sare bachche aapne bhi suna hoga scope. Haan. हमारी एक पेट लाइन है विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ एज वेल, कि हमारे डिपार्टमेंट में बड़ा इस्तेमाल भी होती है, और बच्चों को हम यूजुअली स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं, स्कोप आपका है एज एन इंडिविजुअल, इट्स यू हु इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, इट्स यू हु इज गोइंग टू वर्क, इट्स यू हु इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. डोंट लुक एट कि डिग्री का स्कोप है कि नहीं है, फील्ड का स्कोप है कि नहीं है. अगर आप किसी नए वेंचर में एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इफ यू डोंट कम आउट एज एन एग्जाम्पलरी पर्सन, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट द लाइफ टू बी एग्जाम्पलरी फॉर यू. अगर आप अपनी मीडियोक्रेसिटी के अंदर खुश हैं, मीडियोकर हैं, लेकिन याद रखें कि मीडियोकर लोग जो होते हैं वो गैट्सबी के अंदर एक वो थी कि आई डोंट रियली वांट टू बी अ ब्रिक इन द वॉल, सो यू सिंपली बी अ ब्रिक इन द वॉल. इफ यू वांट टू हैव अ लाइफ लाइक दैट, यू मेक दोज चॉइसेस, बट इफ यू वांट टू बी प्रोबब्ली द फाउंडिंग स्टोन ऑफ दैट वॉल, देन यू विल हैव टू डू समथिंग न्यू, यू वुड नीड टू गो आउट ऑफ योर बाउंड्रीज. और ये कंफर्ट जोन की भी बात है, मेरा ख्याल है कि कंफर्ट जोन में, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन की जो है ना वो बहुत आदि हो गई है, कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है. व्हेन यू डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हो कैसी जाएंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बिल्कुल ऐसी है. वंस यू देखिए, वही वाली बात फिर वही है कि बीइंग एल्डर्स, बीइंग एडल्ट्स, आप जो बाउंड्री अपने बच्चे के लिए या यंगर जनरेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, वो उसी के अंदर ही रहेगी. अब देखें, आप छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे अब कल्चर में क्या होता जा रहा है, कि बच्चा आया है, उसने वालिद साहब को कहा जी मुझे 5,000 रुपया दे दें, मुझे 3,000 रुपया दे दें, ठीक है यार ये ले लो. आपने जब एक दो बेसिक नेसेसिटी एक एडल्ट की, एक ऐसे इंडिविजुअल की पूरी कर दी है जिसके ऊपर वो लग्जरी की तरफ जा रहा है, तो वो डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं क्रिएट की जा रही?
आप जब तक अपने 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 इर्द गिर्द लोगों को ये चीज नहीं समझा सकेंगे कि नेसेसिटी क्या है और लग्जरी क्या है, तो ये एक एक ऐसी बात है या ऐसी डिस्कशन है जो शायद ता कयामत चलती रहेगी. अनटिल एंड अनलेस आप अपनी अपने अपने स्टूडेंट को, आप अपने अपने यंगर चाइल्ड को, आप अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द की यंगर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं सिखाएंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट माइट कम आफ्टर देयर एक्शंस, कहाँ तक उनको सपोर्ट मिलेगी, कहाँ पे उनका अपना मैदान है जाके जंग लड़नी है, तो ये काम नहीं पॉसिबल हो सकेगा. हाँ, ये वही बात है कि दूसरा आपका वाज रिलेटेड टू जी वही मैं बोलने वाली थी कि एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो है वो बच्चे के अंदर इनकल्केट करनी पड़ती है कि भाई आपको एजुकेशन भी चाहिए और आपको बहुत सारे आपके अंदर क्वालिटीज भी होनी चाहिए टू हाउ टू स्पेंड योर लाइफ. तो ये चीजें इनकल्केट करना चाहिए. यू नीड टू क्रिएट अ इंडिविजुअल. एग्जैक्टली. आप मत बनाए बिल गेट्स, आप मत आइंस्टाइन पैदा करें मेरे हिसाब से, तो मत करें. आप एक अच्छा इंसान पैदा कर दें, बस आप एक अच्छा इंसान बना दें, बस आप ये करें. अच्छा इंसान अच्छी चीज भी करेगा, अच्छी रेवोल्यूशन भी लेके आएगा. तो ये चंद कुछ चीजें थी. दूसरा जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था, काफी लंबा, पहले पार्ट पे जवाब मैंने मेरे ख्याल से कर दिया है. लेकिन द सेकंड पार्ट वाज रिलेटेड टू कि फील्ड करियर की चॉइस. करियर की चॉइस है बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके अंदर स्पार्क डेवलप करें, उनको स्पार्क निकल के आने दें. बी इट एनीथिंग, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट म्यूजिक, बी इट फिल्म मेकिंग, बी इट आई डोंट नो इंजीनियरिंग, बी इट somebody wants to become an accountant, a doctor, somebody wants to become a chef, right? Please let them grow into their own individual space. Aap jab tak decision bachon ke upar thopte rahenge, they are not going to be successful individuals. They might get a degree at the end of the day. Degree chahe le lenge 2.5 CGPA, 2 CGPA ke sath ya ek bade bare minimum. Main manti hu chale rahte hain halal karke jo hai bachcha, wo bahut achhe CGPA ke sath bhi graduate kar jayega, lekin aap puri zindagi ke liye usko depress kar denge. Please, ek depressed generation kafi hai. हमारे इर्द गिर्द बहुत डिप्रेशन फैला हुआ है, जिसका बहुत सारा जिम्मेदार ये डिसीजंस हैं कि क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ये करो तो तुम ये करो. एग्जैक्टली. लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट डू इट विद अ यंगर जनरेशन. वी नीड अ जनरेशन फुल ऑफ पॉजिटिविटी. वी नीड अ जनरेशन हु इज एम्बिशियस, बिलीव्स इन देयर ड्रीम्स एंड ड्रीम्स बिग एज वेल. आस्क योर किड्स टू ड्रीम बिग. जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, आप कुछ बड़ा कर भी नहीं सकेंगे. हमारी सोच बहुत लिमिटेड नहीं होनी चाहिए. आप एक बच्चे को एक्सप्लोर करने दें कि लेट देम एक्सप्लोर. भाई जाओ देखो और कितना कुछ है इस दुनिया में सीखने के लिए. वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स मेरे हिसाब से. हमारी जो है कोई इतनी मतलब मुश्किल नहीं है. आपको जो है दरिया पार करके स्कूल नहीं जाना होता. और जो है शुक्र है अल्लाह ताला का कि भाई आजकल का जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा भी है. वैसे यस, बहुत सारी चीजें लैकिंग भी है, बट अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है वो इस वक्त हमारे पास उसकी मेडिसिन फॉरन मौजूद है, जिनके ऊपर बाकायदा डेथ हो जाती थी पुराने जमाने में. तो वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स. आप उनका उसका इस्तेमाल करें, आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, आप उसको यूज करें, आप अपने आप को बनाए. ना सिर्फ अपने आप को बनाएंगे, फिर आप दूसरों को भी बनाएंगे ना, फिर आप एज अ यू नो सोसाइटी आप ग्रो कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. विच इज मच नीडेड, अगेन विच इज मच नीडेड एज वेल. Exactly. तो as an educator, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई what reforms you think are needed to be done in order to enhance the role of women and especially the higher education, कि भाई एक लड़की को बाकायदा तौर पे higher education भी दी जाए, आपको क्या लगता है कि कौन सी reforms होनी चाहिए उनके लिए, क्या हमें? Again यार, the first thing has to be the household. It has to be the parents who take up a step. Right. It has to be the realization कि देखें अगर एक स्टूडेंट, अगर एक फीमेल वांट्स टू गो इनटू हायर एजुकेशन एंड वांट्स टू जॉइन अ टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिकली, अगर आप जैसे बात करें जो मेरी फील्ड है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की, अभी भी आप यकीन करें कि अगर मेरे पास इनटेक स्टूडेंट्स की, इफ यू हैव एन इनटेक ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो यूजुअली देयर आर ओनली 3-4 फीमेल स्टूडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ आर ऑल आर मेल स्टूडेंट्स. तो उसमें हाँ, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज दैट हैज टू बी और सम रिफॉर्म्स दैट हैव टू बी यू नो दैट नीड टू टेक प्लेस विद इन द इंडस्ट्री एंड देन हायर रिफॉर्म्स दैट हैव डन एट होम्स. बिकॉज देखिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दे डू नॉट लिमिट फीमेल इनटेक. दे डू नॉट से जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 फीमेल से ज्यादा नहीं आनी चाहिए. दे डू नॉट टेल फीमेल्स के जी दे कैन नॉट कम इनटू सच एंड सच फील्ड्स. बट what actually happens is at home there is a parent telling a female, a beti or a sister, yaar tum ye to mardon ki field hai, tum nahi kar sakti. You cannot, but simply ye hai ki tum kar nahi sakti. Reason kya hai nahi pata.
रीजन क्या है, सिर्फ एक रीजन पता है कि वो मर्दों की फील्ड है। वो डॉक्टर बन सकती है, हमने डॉक्टर सारे बना दिए, सारी लड़कियों को डॉक्टर बना दिया। अरे भाई, अरे को डॉक्टर बनना है या उनको टीचर बना दिया हमने। एग्जैक्टली, या तो टीचर बना दिया, हमने इतना स्टीरियोटाइपिकल कर दिया, समझ में नहीं आता भाई क्यों लड़कियां क्यों नहीं जा सकती किसी और फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर टीचिंग ही। आप बता, यकीन करो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वेरी फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इनटू द क्लास, पहला लेक्चर, पहला दिन, और मेरे आगे कुछ 20 के करीब मेल स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, एंड दे हैड क्वेश्चन मार्क्स ऑन टू द फेस। आई लिटरली हैड टू स्पेंड अ होल सेमेस्टर मेकिंग देम एब्जॉर्ब इट, दैट इट्स गोइंग टू बी अ फीमेल हु इज गोइंग टू टीच देम टेक्निकल सब्जेक्ट्स, हु इज एन एरोस्पेस इंजीनियर, हु हैज डन मास्टर्स in aerospace engineering. She's not only conversed with aerospace engineering, she's also a maintenance engineer. Usko ka bhi pata hai. To ye acha ye cheeze student to chale younger age mein hum kehte hain wo cheeze hai. I still have a lot of parents come up to me and meet me, and then there are officials of other organizations that come up and meet us, and the minute they get to know ke ji I am the person who is heading a program which is so technical, they are completely astounded, astonished, surprised. मेरे पास और मज़ीद लव्स खत्म हो गया उसको डिफाइन करने के लिए। पहली चीज़ एक्सेप्टेंस एट होम लेवल, ग्राउंड ग्रासरूट लेवल पे। हमारे बच्चों को दोनों को ये चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी कि जेंडर स्पेसिफिक, आई डू अग्री जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं, लेकिन वो रोल्स हैं, करियर्स नहीं है। रोल्स हैं, करियर्स नहीं है। करियर, इफ समबडी फील्स दे कैन गो इन टू अ करियर, लेट देम गो यार, लेट देम गो एंड एक्सप्लोर इट देमसेल्व्स। If it's meant to work, it's going to work out. And then if it doesn't work out, let's have open hearts. Let's have open arms and tell the kid, it's completely all right. You made a bad choice, but it's all right. It's not the end of the world. I've had female students come up to me, jinko shayad maine bhi wapas bheja hai, because of the fact that I found out unse interview karne ke baad and after getting to know them that they might not be suited for the field. Right. Looking at the specific role, कि आपको धूप में भी काम करेंगे, आप ओवरनाइट भी काम करेंगे, आप इस तरह की टेक्निकल चीजों, आप आसान सादा अल्फाज में बात की, आप पानों के साथ और आप स्क्रू ड्राइवर्स के साथ काम करेंगे, आपके दोस्त लुब्रिकेंट्स होंगे, फ्यूल आपका दोस्त होगा, जिसके साथ आपका जहाज सबसे बड़ा दोस्त है जिसके साथ आप बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो एक सर्टन एप्टीट्यूड ऑब्वियसली चाहिए होता है। बच्चों को पीयर प्रेशर से बचाएं, स्पेसिफिकली लड़कियों को मत डालें उनको पीयर प्रेशर के अंदर। जी लड़की हो तो देखो तुम्हारी सहेली ये कर रही है, तुम भी ये करो। प्लीज सहेली को वो काम कर लेने दें और इस लड़की को वो काम कर लेने दें। इसमें तो आई थिंक आई शुड इंटरप्ट कि भाई लड़कों के साथ भी ये बुलिंग वाला सिस्टम और पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये दोनों के साथ होता है। ये बच्चों को मतलब जो है ना, मतलब क्रश कर देते हैं उनके सोल को, और ये बहुत ही बुरी एक चीज है सोसाइटी में। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ओवरऑल मैंने देखा कि ओवरऑल हर जगह ही इसके कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी मौजूद है, बुलिंग भी है और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर। लेकिन हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा वर्दा, आप खुद, आपको, आपने भी, आप ओवरसीज हो, आपने वैसे भी देखा होगा, देखें एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हमें करनी है। पीपल ओवरसीज और किड्स ओवरसीज हैव एक्स्ट्रा हेल्प इन द टर्म ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स हु कम अप एंड लिसन टू देम एंड प्रॉपर्ली गाइड देम। ये बहुत बड़ी चीज हमारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत मिस कर रही है। वी डोंट हैव इट, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टूडेंट आइडेंटिटी, grooming, and then depression, and then anxiety, and then cultural shock coming from smaller areas, and then you know shifting them, transferring to bigger cities for university education. But we do not have professional counselors. Right. बहुत कम लोग हैं professional counselors. अच्छा ये हैं भी, and if you find out that there is professional help, तो आप खुद हिचकिचाते हैं, there is reluctance because इसकी acceptance society के अंदर नहीं है. हमें लगता है कि जी psychologist के पास जाएंगे तो इसको तो पता नहीं खुदा ना खास्ता इसका दिमाग खराब हो गया, आसान सिंपल वो कह देते हैं दिमाग खराब हो गया। रियलाइज कि हर वक्त एक परफेक्ट फिगर बन के रहना भी इंसान की कैपेबिलिटी ही नहीं है वो। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इतना परफेक्ट बनाया होता तो अल्लाह ताला शायद गुनाह करके तोबा करने की भी वो ना करते। अल्लाह ताला को पता है इंसान इम्परफेक्ट है, वो गलती करेगा, वो सीखेगा और वो सीधे रस्ते पे आएगा। इसी तरह से हमें भी इंडिविजुअल्स को, स्पेसिफिकली फीमेल्स को, हमें थोड़ा सपोर्ट करना है, बूस्ट करना है। एक और जो चीज आप बात कर रहे थे ना अभी, कि लड़कों को पीयर प्रेशर भी फेस करना, डेफिनेटली करना पड़ता है। लेकिन एक जो बड़ा दुखता जुमला मैं सुनती हूँ अक्सर, स्पेशली लड़कियों के लिए, और वो क्या है, इतना ही पढ़ लिखना था तुमने और पढ़ के रोटियां ही बनानी थी तो ना पढ़ती। हाँ, exactly. देखिए रोटी बनाना बहुत अलग चीज है, वो एक स्किल है। आपका घर संभालना आपका स्किल है,
which is equally important for both males and females. लेकिन एट द सेम टाइम याद रखें एजुकेशन हायर एजुकेशन बी इट इन टेक्निकल फील्ड्स और बी इट इन नॉन टेक्निकल फील्ड्स इज गोइंग टू हेल्प योर फीमेल हैव अ बेटर आउटरीच टू द वर्ल्ड हैव अ बेटर इनसाइट इन टू वॉट इज गोइंग आउट अराउंड इन टू द वर्ल्ड एंड देखें जब तक आपकी फीमेल आपकी मदर आपकी सिस्टर आपकी बेटी उसके पास ये इनसाइट नहीं होगी वो बेहतर डिसीजन नहीं ले सकती वो हमेशा किसी के रहमो करम पे रहेगी exactly. अब मैं उससे पूछ लेती हूँ अब मैं उससे पूछ लेती हूँ अब मैं उससे पूछ लेती हूँ तो बात फिर वही है ग्रास रूट लेवल से शुरू करने की जरूरत है पेरेंट्स को सपोर्टिव होने की जरूरत है अपनी फीमेल बच्चियों के लिए एजुकेशन हासिल करने के लिए एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू इनकल्केट द सेम थिंग इन टू द मेल्स ऑफ आवर हाउस एज वेल एग्जैक्टली देखिए यही बच्चे बाहर जाके हमारे कॉलीग्स बनते हैं Right. तो जो वो घर में देखते हैं वही जिंदगी में जाके फिर करते हैं अगर उनके घर में उनको नजर आता है कि दे हैव एम्पावर्ड वुमेन दे हैव वुमेन हु हैव अवेयरनेस दे हैव वुमेन हु आर स्ट्रांग इन देयर रोल दे एक्सपेक्ट द सेम और दे एक्चुअली इफ नॉट एक्सेप्ट बट हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली एब्जॉर्ब सच वुमेन इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल अदरवाइज देयर आर काउंटलेस मेन इन द वर्ल्ड who are simply insecure of the fact that ek female leadership role mein ya wo apne ko point put forward kar rahi hai to unko keh diya jata hai aap aggressive bahut zyada hain aap bossy bahut zyada hain aap outspoken hain to yahi cheez agar ek aapke sath aapka male colleague kar raha hai to usko ye tags nahi milte exactly aur phir wohi baat hai ki ghoom phir ke phir wohi baat aa jati hai ki aap kaun si values inculcate kar rahe hain in your kids when they're growing up राइट अच्छा अगर मैं एविएशन की बात करूं तो व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशंस रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशंस अगर हम पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूशंस इस वक्त आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी यूथ को अगर कोई जाना चाहे तो अच्छा मैं इंस्टीट्यूशंस रिकमेंड करने से पहले बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखें एविएशन बहुत बड़ी फील्ड है एविएशन से हमारे ज़हनों में यूजुअली आता है पायलट्स एंड एंड ऑफ स्टोरी किस्सा खत्म हो गया और दूसरा वो इंजीनियर जो जहाज डिजाइन कर रहा है what we need to realize is that somebody is designing something and then somebody is going to maintain it as well. Right. And then वो बंदा जो जहाज उड़ा रहा है, which is a pilot, उसको guide भी कर रहा है और जो बंदा उसको guide कर रहा है उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा infrastructure होगा जिसका कोई ख्याल रख रहा होगा एंड देन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वो देखेंगे कि ये जो जहाज उड़ के कहीं जा रहा है वो आसमान में किस रूट से उड़ के जा रहा है कहाँ से जा रहा है कंजेशन तो नहीं हो रही जैसे सड़कों पे कंजेशन हो जाती है सड़कें प्लान की जाती हैं रोड प्लान की जाती है इसी तरह से एयर राउट्स को भी प्लान किया जाता है तो ये सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है जब यूजुअली इफ देयर समवन हु इज फैसिनेटेड विद एविएशन और वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन एविएशन इज अ वेरी बिग फील्ड इन विच यू कैन फाइंड आउट मेनी करियर्स इनटू इट वेरी वास्ट करियर्स इनटू इट नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के कौन से इंस्टीट्यूशंस fortunately pakistan ke andar in the past i guess 3 years there has been a boom i would say a very increase in institutions that deal with aviation education right now i'm going to divide aviation education into different types of fields the first is related to aviation management which right. is also known as aviation business or aviation sciences ye sari ek category hai which actually prepares an individual to not only perform as a business aviation business manager but also how to run airlines how to run airports safety security airports ki kis tarah se ki jati hai air traffic controllers kya karte hain how can you become an air traffic controller learning about aircraft and flying so ek to sari ye wali field hai jiske andar basically kafi universities hain takriban 7 se 8 ab to mujhe institutions ka pata hai jinhone freshly start bhi kiya kuch aise hain jo pioneers hain The wow. second career choice that somebody can make, if you have a very technical outlook, if you want to rather not technical, I would say if you like to work with your hands, hardware ke saath kaam karna pasand hai, disassemble karni cheeze pasand hai, troubleshooting karni pasand hai, kuch wapas jodna pasand hai. So aircraft maintenance ek secondary field, jo dusri field hai, jo purely technical in terms of hands-on work hai. It's not going to be an office work. To work on the field, you're going to work on a tarmac near an aircraft. Always with an aircraft, you're going to work on different systems. Be it electrical systems or mechanical systems. Right. And the third field or the third category of education that is available in Pakistan is basically the design factor or the design aspect of the education, which relates to aerospace engineering and avionics engineering.
तो अगर मैं स्टार्ट करूँ एवियोनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, तो करंटली पाकिस्तान में दो इंस्टीट्यूशंस हैं, वन इज नस्ट, द अदर इज इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, द थर्ड इज एयर यूनिवर्सिटी एज वेल, लेकिन एज फार एज आई नो वो पोस्ट ग्रेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बैचलर्स के लिए, इधर इट्स नस्ट और इधर इट्स आईएसटी. आईएसटी का सबको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो ना सिर्फ एवियोनिक्स एंड एयरस्पेस से डील करती है बट सैटेलाइट, ऑब्वियसली सैटेलाइट एजुकेशन उनका मेन वो है. व्हेन यू टॉक अबाउट एविएशन मैनेजमेंट, सो आई वुड स्टार्ट ऑफ विद नॉट बीइंग बायस्ड और प्रोबेबली आई डोंट नो व्हाट द हियर द लिसनर्स माइट फाइंड आउट, बट आई बिलोंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज व्हिच इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर. They are one of the pioneers of aviation management degree and have a wonderful faculty as well. My colleagues are very learned, very experienced. Bahut exposure provide, bahut opportunities provide ki jati hain. But other than that, there's University of Lahore. The Superior University, I've currently heard there's Sialkot, there's University in Sialkot as well. So on and so forth is tarah ki hain. Then PF Keet. As well in Karachi, for people who live in Karachi, you can also go and find out PF Keet. Year institutions and for aircraft maintenance, it's again, it's going to be Institute of Aviation Studies where I basically head the program. I was formerly heading the program. There's Superior University and then there's University of Lahore. But other than that, if you want to go into aircraft maintenance, there are various institutions as well that do not actually offer degree programs, but offer maintenance studies, license studies. And having a license is actually a prerequisite for working on two aircrafts. इसको एंड करने से पहले एक छोटी सी मैं बस एडवाइस देना चाहूंगी तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज अपनी रिसर्च खुद करें, विजिट करें इंस्टीट्यूशंस को, गो एंड मीट द फैकल्टी, गो एंड मीट द एडमिशन ऑफिस, गो एंड लुक एट द फैसिलिटीज योरसेल्फ्स. Then make a decision. Secondly, Pakistan mein aapko pata hai ki education ke upar there's an organization or an institution, the Higher Education Commission of Pakistan. Right. So all the universities, schools and colleges, universities are accredited or approved by Higher Education Commission Pakistan. So it is very important. Ye specifically main isliye keh rahi hoon kyunki ho sakta hai bahut sare log overseas ye baat hamari sune aur overseas जो लोग होते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि पाकिस्तान आके आपने कैसे फाइंड आउट करना है व्हिच इज द राइट यूनिवर्सिटी टू सेलेक्ट और व्हिच इज द राइट प्रोग्राम टू राइट. सो प्लीज हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, उनसे राब्ता करें, उधर देखें कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अप्रूव्ड हैं, जिनके प्रोग्राम्स अप्रूव्ड हैं बिफोर गेटिंग योर किड्स इनटू अ सर्टेन प्रोग्राम व्हिच एवर माइट बी अ चॉइस ऑफ देयर सिलेक्शन. सेकंड चीज जो होती है वो ऑब्वियसली इज ऑब्वियस टू ऑलवेज टू लुक एट एक्रेडिटेशंस. There are professional bodies, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, आपको पता है मेडिकल की एक अलग से है, फॉर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स लेटली देयर इज नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल एज वेल, सो प्लीज लुक एट द एक्रेडिटेशंस ऑफ द प्रोग्राम्स एज वेल. ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक श्योर दैट यू हैव सेलेक्टेड द राइट प्रोग्राम, एट द सेम टाइम यू आर गोइंग फॉर अ क्वालिटी प्रोग्राम एज वेल. सही तो आई थिंक ये बहुत ही डिटेल्ड आपने बता दिया है, तो आई थिंक हमारे रीडर्स को काफ़ी अच्छा पढ़ने को और सुनने को मिलेगा जब भी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाएगा उनके लिए और उनको फिर इजी भी हो जाएगा उनके बच्चों को अगर वो एविएशन में इंटरेस्टेड हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जाते जाते आपका कोई लास्ट मैसेज अगर पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो तो प्लीज वो हमसे शेयर कीजिए, और आपके फ्यूचर के क्या एस्पिरेशंस हैं, हम आपको कहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी सवाल है. अच्छा, स्टार्ट करूँ मैं फ्यूचर एस्पिरेशंस से, उसके बाद छोटा सा मैसेज कोशिश करूंगी, छोटा ही रखूँ, ब्रीफ रखूँ बिल्कुल. फ्यूचर इज ऑब्वियसली बता एकेडमिक्स में आपके नाम के साथ डॉक्टर लगना बहुत जरूरी है. You have to go into a doctoral research program basically. So I am inshallah going to start off with my PhD. I'm working towards it. Allah khair karega inshallah. So I'll be pursuing a PhD in aerospace engineering, and then I plan to continue with education research as well as technology. I feel one of the fields jo Pakistan mein thodi si overlook ho gayi hai kisi tarah se wo technological advancement hai. Now I'm not implying it with engineering, wo ek special alag ek baat ho rahi hai, lekin what I feel is ki hum technologists produce karne mein ya technology ki enhancement mein thoda sa lack karte hain. So I'm inshallah, I plan to have set my feet into technology, education and then research as well.
सेकंड जो आपने पूछा कि जी मैसेज क्या है, प्लीज बी काइंड, काइंडनेस की बहुत जरूरत है हमें. राइट, प्लीज बी काइंड, लेट एवरीबॉडी ड्रीम, लेट देम फाइंड आउट देयर ओन आंसर्स, लेट पीपल आस्क क्वेश्चंस, अलाउ पीपल टू गो इनटू रोल्स दैट दे वांट टू विदाउट क्वेश्चनिंग और विदाउट यू नो गिविंग देम अ चांस टू प्रूव देमसेल्व्स. बी इट एविएशन, बी इट मेडिकल, बी इट एनीथिंग एल्स. एविएशन में स्पेसिफिकली बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज एविएशन की है. मेरी अल्टीमेटली एक चीज, प्लीज वी नीड टू रियलाइज वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना है. हमें पर्सनल एजेंडाज अपने छोड़ने पड़ेंगे. इफ यू डू नॉट लीव आवर पर्सनल एजेंडाज, वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स. लेट्स प्लीज लीव द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स. Let's please leave our ideas behind. Let's all get together and work for a better future, for a better Pakistan, for the betterment of humanity, I would say. Let's just do it. Thank you so much for your time, Fatima. आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, and inshallah आपसे फिर further future में भी हम आपको invite करते रहेंगे और आपका time जो है वो थोड़ा सा हमें मिलता रहेगा, I think, inshallah, hopefully in future. Thank you, Varda. It was a pleasure talking to you. Thank you for giving me this opportunity as well and listening to me very patiently. Thank you very much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.